नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ सहजन की सब्जी। इसको ड्रमस्टिक भी बोलते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और हड्डियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इससे लीवर भी बहुत मजबूत होता है। तो इसको बना रहे हैं हम, तो पहले ऐसे हम छील लेंगे इसको इस तरह और काटते जाएंगे। तो हमने सारा सहजन काट लिया है और अच्छे से छील लिया है। ये दो मैंने आलू लिया है, इसको भी काट लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और आलू हमने और सहजन अच्छे से धुल लिया है। तो अब हम आलू को फ्राई करेंगे। इस तरह हम डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे गोल्डन कलर होने तक। तो हमारा आलू अच्छे से फ्राई हो गया है। देखिए, अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। ऐसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें ये ड्रमस्टिक फ्राई करेंगे सहजन। इसको भी इसी तरह कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करेंगे। अब मेरा कलर चेंज हो गया सहजन का, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा तेल और डाल देंगे उसी में और हम तड़के में जीरा डालेंगे और ये है पीला सरसों, सरसों डालेंगे हम। और ये दो तेज पत्ता है, इसे भी डालेंगे। दो लाल मिर्च डालेंगे खड़ी हुई और अच्छे से तड़के को भूनेंगे। अब हम ये चॉप किया हुआ प्याज लिया है, हम इसे भी डालेंगे तड़के में। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट, हम इसे भी डाल कर भूनेंगे। इस तरह अच्छे से। तो अब हम डालेंगे मसाले। ये हल्दी पाउडर है, हम 1 छोटी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। ये है लाल मिर्च पाउडर, हम इसे डालेंगे थोड़ा सा, 1 स्पून। और ये है मेरा नमक, हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और ये है कश्मीरी मिर्च पाउडर, कलर के लिए हम इसे डालेंगे। ये थोड़ा सा गरम मसाला है, इसे भी डालेंगे। ये धनिया पाउडर है, हम 1 स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। और ये है बेसन। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे। ये मैंने 2 टमाटर लिया था, उसका पेस्ट बनाया हुआ है, इसे डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे टमाटर के पेस्ट को। इस तरह हम चलाते हुए भूनेंगे। तो हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। ये देखिए, ये हमारा तेल इस यहाँ से निकलने लगा है, दिख रहा है। अब हम आलू और सहजन जो फ्राई किया था उसे भी डाल देंगे। दोस्तों, सहजन बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, आप भी बना के ट्राई कीजिए। इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही सेहत के लिए फायदेमंद है। अब हमारी सारी सब्जियां मसालों में मिक्स हो गई हैं।
अब हम इसमें डालेंगे पानी। आप अपने अनुसार पानी डाल सकते हैं, जितनी ग्रेवी रखना हो उस हिसाब से। इस तरह हम पानी थोड़ा सा और डाल देंगे और पानी डालकर अब हम इसे थोड़ा सा चला देंगे और अब हम इसको ढक देंगे पकने के लिए। हम इसको 10 मिनट पकाएंगे। अब हमारा 10 मिनट हो गया है। देखिए मेरी सब्जी बनकर तैयार है। ये देखिए ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा पतली नहीं है और हम ऊपर से डाल देंगे हरी धनिया। तो देखिए दोस्तों हमारी सब्जी बनकर रेडी है। तो दोस्तों आज हमने बनाया है सहजन की सब्जी। यदि आज का वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।